मॉर्निंग फोर्थ क्लास बेटा, ये हमारी सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 7 की अडेप्टेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स पे जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करना शुरू करेंगे। द वेदर कंडीशन ऑन माउंटेन्स स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी जो वेदर कंडीशन होती है माउंटेन्स में वो प्लांट्स के जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर देती है, उसको धीरे कर देती है। There are many other challenges that plants faces in mountain area, और बहुत सारे अलग अलग challenges होते हैं, ठीक है, जो plants को face करने पड़ते हैं अगर वो mountain area में grow हो रहा है। Strong rays of the sun damage their leaves, बहुत तेज sun की rays होती हैं जो उनके leaves को damage कर देती हैं। Soil is not having enough nutrients that are essential for the growth of plant, soil में इतने nutrients नहीं होते जितने प्लांट्स को चाहिए होते हैं। प्लांट्स हैव फॉलोइंग अडेप्टेशन इन देयर रीजन, तो प्लांट्स के पास कुछ अडेप्टेशन होनी चाहिए जो वो इस रीजन में ग्रो कर पाए। ट्रीज इन माउंटेन एरिया हैव नीडल लाइक लीव्स दैट अलाउ लेस वाटर टू इवेपोरेट एंड डू नॉट अलाउ स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द लीव्स। जो ट्रीज होते हैं यहाँ के उनके नीडल जैसे लीव होते हैं, ये देखो नीडल जैसे लीव होते हैं, ताकि वाटर लॉस जो है वो कम हो, वाटर इवेपोरेट कम हो और स्नो जो है वो उनके ऊपर कलेक्ट ना हो। स्नो कलेक्ट होने लग जाएगी तो वो क्या कहते हैं सनलाइट उन तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, वाटर से वो वाटर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे एनवायरमेंट के साथ। देयर नीडल लाइक लीव्स हैव वैक्स कोटिंग, अब इनके पास भी वैक्स कोटिंग होती है जैसे डेजर्ट प्लांट्स में होती थी। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इवेपोरेशन, ताकि वो इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर पाए। दीज लीव्स आर डार्क इन कलर, ये लीव्स डार्क कलर की होती है एंड सोक लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो सोलर एनर्जी है यानी जो धूप है उसको स्टोर करती है। दीज लीव्स हैव थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेयर ऑन देम, और इनके अंदर कुछ थिन फाइबर यानी पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको इनके हेयर बोलते हैं। दीज हेयर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और ये हेयर इनको बचाते हैं ठंड से, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। अब क्या है, सम प्लांट्स हैव स्मॉल एंड टफ लीव्स, कुछ प्लांट्स के पास छोटी छोटी लीव्स और बहुत ज्यादा टफ लीव्स होती है, दैट डू नॉट गेट डैमेज बाय स्नो एंड हेल। जो हेल मतलब होता है जब बर्फबारी होती है, जब बहुत तेज बर्फ गिरती है, और स्नो मतलब जो हल्की हल्की स्नो गिरती है, ठीक है, तो इनसे इनको बचा कर रखते हैं, इसीलिए इनकी लीव जो है वो स्ट्रांग होती है, छोटी होती है और टफ होती है। जितनी बड़ी लीव होगी उतना ज्यादा डैमेज होगा। अब नेक्स्ट क्या है, मेनी माउंटेन ट्रीज हैव देयर ब्रांचेस बेंडेड डाउनवर्ड्स, और कुछ माउंटेन ट्रीज की जो ब्रांचेस होती है वो नीचे की तरफ बेंड होती है। दे हेल्प टू शेड स्नो एंड प्रिवेंट द ब्रांचेस फ्रॉम ब्रेकिंग, इससे क्या होता है कि वो स्नो जो है वो आराम से झड़ जाती है और ब्रांचेस टूटती नहीं है। अगर वो ऐसे खड़ी होंगी बार बार उनके ऊपर स्नो गिरेगी तो उनकी जो स्टेम है वो टूट जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट वेरी टॉल सो दे आर नॉट गेट डैमेज बाय हार्श विंड, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते जब तेज हवा चलती है तो इनको ज्यादा डैमेज नहीं होता। अब छोटा सा प्लांट है, कितनी भी तेज हवा हो क्या उसको डैमेज कर पाएगी, नहीं, मगर अगर लंबा ट्री है तो वो गिर सकता है। दीज रूट स्प्रेड डाउन इन लॉन्ग एरिया टू फाइंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और इनकी रूट जो होती है ये भी लंबी होती है ताकि ये भी न्यूट्रिएंट्स ले पाए, क्योंकि इस पे स्नो की कवरिंग होती है या फिर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ऐसी लेयर होती है ऊपर वाली सॉइल की जो अभी हमने पढ़ी थी कि इसमें न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट होते ही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लांट्स। अब कोस्टल एरिया कौन सा होता है जिसके ऊपर प्लांट्स होते हैं, कोस्टल एरिया हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट, कोस्टल एरिया ऐसा एरिया होता है जिसमें हॉट यानी बहुत गर्म और गीला गीला क्लाइमेट होता है। द सॉइल इन द कोस्टल एरिया हैव नो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज इट इज सॉल्टी एंड जनरली लो इन वाटर, ठीक है, जो कोस्ट के पास होते हैं यानी समुद्र के आसपास होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज उन्हीं को बोलते हैं जो जिसके आसपास पानी होता है, सी हो ओशन हो उसके आसपास की वेजिटेशन जो होती है, इनके पास ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितनी प्लांट्स को चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पानी है सॉल्टी होता है सी के आसपास होने के कारण, जनरली लो इन वॉटर, ठीक है। द कोस्टल प्लांट्स हैव सम अडेप्टेशन टू सर्वाइव हियर, तो कोस्टल प्लांट्स के पास कुछ अडेप्टेशन होनी चाहिए, क्या, दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम एक्सप्लोजन टू द सन, इनके पास बहुत सारी लीव्स होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी लीव होनी चाहिए ताकि ये सन और सॉल्टी वाटर से अपना बचाव कर पाए।
दे डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर, अपनी लीव्स ये छोड़ती ही नहीं है, कभी भी इनकी लीव शेड नहीं होती. दे प्रोड्यूस वेरी लार्ज सीड्स दैट कैन बी डिस्पर्स बाय सी वॉटर फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स. और बहुत बड़े बड़े जो है इनके सीड्स होते हैं ताकि आराम से सी वॉटर के साथ बह सके और इधर उधर ग्रो हो सके. स्वम्प प्लांट्स, अब ये कौन से प्लांट्स होते हैं? इन स्वम्प और मॉइस्ट्री एरिया, स्वम्प्स में या मॉइस्ट्री एरिया में जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्ले, वहां की सॉइल बहुत चिपचिपी होती है और क्ले ही होती है, यानी उसमें क्ले बहुत ज्यादा होता है. द सॉइल डज नॉट प्रोवाइड मच एयर टू द रूट ऑफ द प्लांट्स, और जो सॉइल होती है वो ज्यादा एयर, क्ले में आपको पता है कि पोरस नहीं होती वो, तो क्या होता है रूट्स के पास ज्यादा एयर नहीं पहुंच पाती. द प्लांट्स दैट ग्रो इन स्वम्प एरिया आर कॉल्ड मैनग्रूव्स, और ऐसे प्लांट्स जो स्वम्प एरिया में ग्रो करते हैं उनको मैनग्रूव्स बोलते हैं. दे हैव स्पेशल रूट्स आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीद, और इनके पास स्पेशल रूट्स होती है, रूट्स होती हैं ताकि वो सॉइल के अंदर से ब्रीद कर पाए. ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लांट्स को ब्रीद करना, तो इसीलिए इनके पास ऐसी स्पेशल रूट्स होती हैं जो सॉइल के अंदर, इतनी क्लेई सॉइल होने के बाद भी इसके अंदर से सांस जो है वो ले पाए. ठीक है बेटा, अब इसमें आपके पास लेट्स रिकॉल में क्या दिया हुआ है, आपको हैबिटेट्स के नेम देने हैं इन प्लांट्स के, कि नीम और पीपल का कैसा हैबिटेट होता है. ठीक है, नाम कैसे देने हैं, मतलब इनका ये कहाँ रहते हैं, ये प्लेन्स में रहते हैं. ठीक है, अब आपको बताना है सक्सलेंट प्लांट्स कहाँ रहते हैं, मैनग्रूव्स कहाँ रहते हैं, फ्रेंड्स एंड डियोडर्स कहाँ रहते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स कहाँ रहते हैं. तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ये आपको खुद करना है. लेट्स रिकॉल आपको बेटा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप खुद करेंगे, इसको खुद से ट्राई करेंगे कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप वीडियो क्लास में पूछ सकते हैं. ठीक है बेटा,